नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हाथरस गैंगरेप मामले में एक और जहां देश भर में आक्रोश भड़का है, लोग पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं, वहीं अब लोग जातिवाद के आधार पर आरोपियों के समर्थन में भी लोग लामबंद हो रहे हैं। शुक्रवार को बुलगड़ी गाँव के पास ही स्थित बघाना गाँव में ठाकुर समुदाय की पंचायत हुई, जिसमें आरोपियों की रिहाई के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया गया। इस पंचायत में बुलगड़ी और आसपास के एक दर्जन गांव के ठाकुर और स्वर्ण समाज के लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस घटना की आड़ में स्वर्णों को निशाना बनाया जा रहा है और स्वर्ण समाज के खिलाफ दलितों का आक्रोश भड़काया जा रहा है। हाथरस गैंगरेप मामले में मीडिया को पीड़ित के गांव में जाने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले एसआईटी जांच का हवाला देकर पुलिस ने दो दिन से मीडिया को रोक रखा था। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फिर हाथरस के लिए रवाना होंगे। इससे पहले गुरुवार को राहुल और प्रियंका को हाथरस जाते वक्त ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर रोक दिया गया था। दोनों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनसे कहा कि आपने धारा 188 का वॉयलेशन किया है। पुलिस ने राहुल की कॉलर भी पकड़ी थी। धक्का मुक्की में वे नीचे गिर गए और हाथ में चोट लग गई। राहुल और प्रियंका को 4 घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ा गया। दोनों हाथरस की बुलीगढ़ गांव जाकर गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते थे। भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के अटल रोहतांग सुरंग के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील के अधिकांश हिस्से की आपूर्ति की है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 3000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। सेल ने एक बार फिर से देश के एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाई है। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। भारत में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या शुक्रवार को 1 लाख के पार पहुंच गई। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसे कोई भी देश हासिल नहीं करना चाहेगा। भारत में 7 महीने पहले कोरोना का पहला केस सामने आया था। इसके बाद आज हम दुनिया में संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर खड़े हैं। कोरोना मृतकों की संख्या को 1 लाख पार करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। भारत से आगे अमेरिका और ब्राजील है। हालांकि इन देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर काफी कम है। भारत में वायरस मामला मृत्यु दर 1.56% है, जो वैश्विक औसत की तुलना में आधा है। वहीं अमेरिका और ब्राजील की तुलना में बेहतर है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के 2 दिन बीत जाने के बावजूद एनडीए में शुक्रवार को सीट शेयरिंग का पेच पूरी तरह नहीं सुलझ पाया। दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में शुक्रवार देर रात सीटों का बंटवारा तय हो गया। राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बातचीत के बाद महागठबंधन में सीटों का मसला सुलझता दिखा। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में राजद के 135 सीटों पर उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस को 70 सीटें मिलेंगी, भाकपा माले के 19 और 10 सीटों पर भाकपा व माकपा के उम्मीदवार होंगे, 7 सीटें वीआईपी और 2 सीटें झामुमो के खाते में आ जाएंगी। बिहार में मनिहारी और कटोरिया अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिहार में एनडीए में टूट करीब करीब तय मानी जा रही है। आज लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। लोजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम को होनी है। पार्टी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर सकती है। इसी के साथ 56 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। इस मामले में लोजपा की बीजेपी से बात बनती नहीं दिख रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान 5 बार मिल चुके हैं। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में परमाणु हथियारों के
उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा कि भारत परमाणु हथियारों के निरस्तीकरण को लेकर अपनी सहमति जताता है। गौरतलब है कि द्विपक्षीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने और उसके बाद उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए दुनिया भर में परमाणु हथियारों के निरस्तीकरण की मांग ने तेजी पकड़ी है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हथियारों के निरस्तीकरण के लिए पहल की जाती रही है। नए कृषि कानूनों का पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए एक आदर्श कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसे पार्टी शासित राज्यों की विधानसभाओं में पारित किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से पार्टी शासित राज्यों से केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने वाले कानून बनाने के बारे में विचार करने को कहा गया था। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी शासित राज्यों से कहा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 354A के तहत कानून पारित करने के संदर्भ में गौर करें। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। अब आप सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तड़पते हुए देखने की बजाय उसे अस्पताल पहुंचाकर मानवीय कर्तव्य का पालन बेझिझक कर सकते हैं। आपसे अस्पताल में कोई पूछताछ नहीं होगी और न ही आप पुलिस या अस्पताल को अपनी निजी जानकारी दर्ज कराने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने GSR 594 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक घायल की मदद करने वाले को गुड स्मार्टियन का दर्जा दिया जाएगा। उसके हितों के संरक्षण के लिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में नई धारा 134A जोड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण के बाद आत्महत्या कर लेने वाली एक युवती की मां को सही जांच कराने के लिए एक खास तरह की इजाजत दी है। याचिका के तौर पर शीर्ष अदालत में पेश हुई मां को जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपनी याचिका में उठाए सभी बिंदुओं को एक सप्ताह के अंदर लिखित में जांच अधिकारी को सौंपने की छूट दी है। जस्टिस खानविलकर के अलावा जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी के 3 सदस्यीय पीठ ने सोमवार को दिए आदेश में कहा, अपनी फाइनल रिपोर्ट संबंधित अदालत में जमा करने से पहले जांच अधिकारी को याचिका द्वारा उठाए गए बिंदुओं को मनाना होगा और उनकी तर्कपूर्ण जांच करनी होगी। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। मनाली लेह मार्ग पर सामरिक महत्व की 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग का शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। पीरम पंजाल की पहाड़ी को भेद कर 3,300 करोड़ की लागत से बनी यह टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर हाईवे पर बनी है। टनल शुरू होने से अब लाहौल के लोग सर्दियों में बर्फबारी के चलते 6 माह तक शेष दुनिया से नहीं कटेंगे। सेना इस मार्ग से चीन से सटी सीमा लद्दाख और पाकिस्तान से सटे कारगिल तक आसानी से पहुंच जाएगी। अंबाजी शक्तिपीठ में एक श्रद्धालु ने 1.25 किलोग्राम सोना अर्पित किया है। मनोकामना पूरी होने पर राजकोट के इस श्रद्धालु ने पहचान गुप्त रखते हुए स्वर्णदान किया। अंबाजी शक्तिपीठ देवी की पावन 51 शक्तिपीठ में से एक है। देवी मंदिर को स्वर्ण में बनाने की योजना चल रही है। नए शिखर पर स्वर्ण आवरण चढ़ाने के लिए 223 किलोग्राम सोना चाहिए। मंदिर के पास 13 किलो 612 ग्राम सोना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट।
फुल सैनिटाइज्ड रूम टॉयलेटरी किट। होटल गरिशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620।